हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। और ये है हमारी रियल ब्राइडल की वीडियो, और उनका हेयर स्टाइल जो था वो हमने कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से किया था। इन्होंने सिंगल टीका यूज़ किया है, और इनका जो ब्राइडल ज्वेलरी थी उसमें से इन्होंने सिंगल टीका पिक किया है। तो सबसे पहले हम लोगों को एयर टू एयर पैटिंग करके टीका फिट कर देना है, और ये हमेशा हर ब्राइड में आप लोगों को मेरी वीडियो में देखने के लिए मिलता होगा, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है। इसी तरीके से ब्राइडल के हेयर स्टाइल कंप्लीट होते हैं, और बहुत इजी होता है इन हेयर स्टाइल को करना। आप कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हैं, आपको अगर थोड़ा हैवी पे हेयर स्टाइल लेकर जाना है तो क्रम्पिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्रम्पिंग सिर्फ उतने बालों में कीजिए जितने बालों में नीड है, मतलब सारे बालों में क्रम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा आप लोगों को क्रम्पिंग करने की ज़रूरत सिर्फ एयर टू एयर पैटिंग बालों में पड़ती है, जिससे हमें आगे हेयर स्टाइल बनाना है। तो देखिए, आगे आगे के बालों में हम लोगों ने क्रम्पिंग करा ली थी, उसके बाद में पीछे के जितने बाल थे उनमें हमने पोनी बना दी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखिए बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं, बैक कॉम्बिंग करके इनका एक पफ बनाएंगे हम लोग, और उस पफ को थोड़ा सा हैवी बनाएंगे, मतलब कि हम लोगों को सिंगल पफ बना के साइड पार्टिंग से इनका हेयर स्टाइल करना है, जो इनके फेस की नीड है। जब पूरा लुक हो जाएगा तब आप देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी ये। और इस तरीके से देखिए हम लोग इनका जो है एक सिंगल पफ बना रहे हैं, जो पूरा बनता है बहुत अच्छे से। तो इसके लिए हमें ना थोड़े थोड़े बालों में लेकर बैक कॉम्बिंग करनी है, बैक कॉम्बिंग के बाद स्प्रे कर देना है उन बैक कॉम्बिंग के हेयर में, और उसके बाद फिलर यूज़ करना है। फिलर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा यूज़ कीजिएगा, ताकि जो हेयर स्टाइल है वो बहुत उठ कर आए, क्योंकि इनके हमारी जो क्लाइंट की नीड थी, उनकी नीड थी कि उनको हेयर स्टाइल थोड़ा ऊँचा चाहिए, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी हाइट जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, और इनकी हाइट को हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना था। तो इसलिए हम लोगों ने इनका पफ जो है वो काफ़ी हैवी बनाया है, काफ़ी ऊँचा बनाया है, और उसी पफ के बाद हम लोग साइड पार्टिंग से इनका हेयर स्टाइल कर देंगे। बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल कर रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने पीछे पफ बना दिया। पफ बनाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आगे हमें कितना बाल चाहिए, तो जितना बाल हमें चाहिए वो हमने साइड पार्टिंग में कर दिया। उसके अलावा जितना भी बाल अभी बचेगा उस बालों को हम पफ के ऊपर लाइनिंग बनाएंगे, जिससे कि हमारे जो पफ है वो बहुत प्यारा सा लगे, काफ़ी अच्छा सा लगे। तो उसके लिए हम लोगों ने देखिए पहले साइड पार्टिंग के बाल निकाल लिए, जितने बालों की हमें ज़रूरत थी। इससे क्या होता है, एक गाइडेंस हो जाता है, मतलब एक गाइडलाइन तैयार हो जाती है कि इतने ही बालों में हमें आगे का काम करना है, और जितना बाल बचा वो हमें पीछे ले जाना है। तो पीछे जो हम जिस तरीके से ये लाइनिंग बना रहे हैं, इन लाइनिंग को आप काफ़ी अच्छे अच्छे टूल आते हैं, मतलब कॉम टाइप के टूल आते हैं, जिससे कि ये लाइनिंग बहुत इजीली बन जाती हैं। बट हमारे पार्लर पर ज़्यादातर हम लोग फिंगर से ही काम करते हैं, क्योंकि फिंगर भी एक तरीके का कॉम ही है, और फिंगर से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है, इवन फिनिशिंग आती है, और बहुत इजीली बन जाते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने बालों को ऊपर उठाया, हल्की सी फिंगर से इस तरीके से लाइनिंग बनाई, और उसमें स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने से क्या होता है कि वो लाइन जो है वो बहुत ईजिली दिखाई देती हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें जूड़ा पिन लगा देंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से विजिबल हों और बहुत ही अच्छे से दिखाई दें। दूसरी साइड भी हम लोगों को ऐसी करना है कि जितना भी बाल हमने छोड़ा था उन बालों के अंदर हम लोगों को इस तरीके से देखिए पहले स्प्रे करेंगे, फिर फिंगर की हेल्प से जो है जितनी भी लाइनिंग हम लोगों को चाहिए उतनी लाइनिंग हम लोग जो है बना देंगे। तो ये जो है ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा इन है इस टाइम, मतलब ज़्यादातर हेयर स्टाइल आप लोग देखते होंगे और लोगों के भी तो इसी तरीके से बनते हैं, और बहुत ईजीली बन जाते हैं, और ये काफ़ी लंबा चलता है ये हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल की फिनिशिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मैम ये लाइनिंग अगर ख़त्म हो जाए तो, मतलब कि थोड़ी देर हम यूज़ करेंगे इस हेयर स्टाइल को तो ये ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्प्रे जो होता है, अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रे जो है वो इन लाइनिंग को ख़त्म नहीं होने देता है, बल्कि इनको बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलाता है, और ये जब तक आप खोलेंगे नहीं तब तक ये हेयर स्टाइल कहीं नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप फिंगर की हेल्प से जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए इस तरीके से जूड़ा पिन जो आती हैं उनको इस तरीके से एक एक लाइन में लगाते चले जाइए। इन जूड़ा पिन को हम लोग बाद में निकाल लेंगे, बट क्या होगा ना, इससे अगर हम सेपरेट कर देंगे इन्हें तो ये बिल्कुल सेपरेट ही रहेंगी और बहुत अच्छे से जो है वो फिनिशिंग आएगी। तो हर लाइनिंग में आप जो है इस तरीके से जूड़ा पिन लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आजकल आप लोगों को अपने वीडियो में दे रही हूँ कि आप लोग अपने हेयर स्टाइल को किस तरीके से और बेटर करें, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग हेयर स्टाइल बनाएं। काफ़ी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को कुछ नया दूँ, आप लोगों को कुछ नया सिखाऊँ, जिससे कि आप लोगों को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब वेडिंग सीजन आगे आ रहा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हम कर रहे हैं ये सब रियल वर्क के ऊपर चल रहा है, ये हमारी रियल ब्राइड थी उनका ही हेयर स्टाइल चल रहा है। तो कहीं से भी कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ें हम रियल में कस्टमर के साथ करते हैं। और जो ये मेरी क्लाइंट है ये भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, ये अपने हेयर स्टाइल को देखेंगी तो इनको भी पता है
कि कुछ भी हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले बना दें फिर हटा दें फिर उसके बाद दोबारा बना के देखें, नहीं, क्योंकि चांस ही नहीं होता है, टाइम ही नहीं होता है। सबसे मेन है कि हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जब ब्राइड तैयार होती हैं तो हमारे पास एक ब्राइड तैयार नहीं होती, हमारे पास बहुत काम आता है, और हमारा क्योंकि स्किन केयर वगैरह भी होती है हमारे पार्लर में, हेयर केयर वगैरह भी होती है, तो हमारा पार्लर जो है वो ऑल ओवर काम के लिए है, तो मेकअप के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें भी स्टाफ बिजी रहता है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें किसी भी काम को करने में, या कभी उसको हटाएं कभी मिटाएं, ऐसा कुछ हम लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो देखिए आप देख सकते हैं पीछे हम लोगों ने इस तरीके से सेपरेट कर दिया, और अब हम आगे जितना भी ये बाल है इनका, इसको आगे हल्का हल्का सा बैक कॉम्बिंग करके, क्योंकि उठाना है हमें हल्का सा ये, और स्प्रे करके हम लोग जो हैं आगे का भी हेयर स्टाइल इनका कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग हेयर स्टाइल करेंगे तो बहुत ईजी होता है हेयर स्टाइल करना, और बहुत आसानी से हो जाता है। और इन्होंने सिंगल टीका यूज़ कराया, तो आप लोगों को पता ही है आजकल ब्राइट सिंगल टीका भी यूज़ कराती हैं, और जो मांग टीका होता है पूरा उसको भी यूज़ कराती हैं। तो आप मांग टीके में भी इस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं, सिंगल टीके में भी कर सकते हैं, बट ये सिंगल टीके में ज़्यादा अच्छा लगता है मांग टीके के बजाय। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं इस हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। बोलते बोलते यार गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती है, मतलब लंबी क्या 8-10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें लगातार वॉइस भरना बहुत मुश्किल होता है, और आज मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे कि मैम आपका पार्लर कहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरा पार्लर जो है वो मुरादाबाद यूपी में है, मुरादाबाद आशियाना फेज़ 1 में मेरा पार्लर है, और अगर आप मुरादाबाद के आसपास के हैं तो आप बिल्कुल पार्लर पर विजिट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं पूरा पार्लर का एड्रेस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप मेरे पार्लर तक आना चाहते हैं तो आप उस एड्रेस के थ्रू आ सकते हैं। एक बार इस वीडियो का अच्छे से डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर फुल एड्रेस है पार्लर का, तो आप उस एड्रेस के थ्रू बिल्कुल पार्लर तक बहुत इजीली आ जाएंगे। अगर आप गूगल पर भी खुशी मेकओवर सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर भी बहुत इजी मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पार्लर का नाम जो है वो खुशी मेकओवर है, और मेरे चैनल का नाम पूजा चौधरी है, क्योंकि पूजा चौधरी मेरा नाम है तो मैंने अपना चैनल अपने नाम से चलाया है, बट मेरा जो पार्लर का नाम है वो मेरी बेटी के नाम पर है, खुशी मेरी बेटी का नाम है, तो मैंने अपने पार्लर का नाम खुशी मेकओवर अपनी बेटी के नाम पर रखा है। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि मैम आपके चैनल का नाम तो पूजा चौधरी है बट आपका पार्लर का क्या नाम है, तो पूजा चौधरी से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ खुशी मेकओवर के नाम से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आप फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ फेसबुक पर भी हूँ, बट मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं हमेशा ज़्यादा जो एक्टिव रहती हूँ वो यूट्यूब पर ही रहती हूँ, क्योंकि और जगह एक्टिव होने के लिए टाइम नहीं है, खास तौर से इंस्टाग्राम पर तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, है मेरा इंस्टाग्राम आईडी बट मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि मेरे पार्लर का जो काम होता है उसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं काफ़ी सारी जगह पर अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर रहती हूँ, आप लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, इतने अच्छे से आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है, तो अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है वो हम लोग इनके जो पीछे का जितना भी बाल था उसमें हम लोगों ने जो पोनी बनाई थी उस पोनी में हमने एक डोनट डाला, डोनट डालने के बाद इनके ही बालों से उस डोनट को कवर कर दिया, उसको कवर करने के बाद अब हम लोग फूलों से इसको जूड़े को कवर करेंगे। तो ये हर हेयर स्टाइल में, मतलब ब्राइडल के हर हेयर स्टाइल में इसी तरीके से पीछे से जूड़ा बनता है, और इसमें आप फेक रोजेज भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप रियल रोजेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो हूँ वो अपनी ब्राइड से ही मंगवाती हूँ ये गजरा और रोज़, तो मेरी ब्राइड जो है वो जिस तरीके का मुझे लाकर देती हैं उस तरीके से ही हम लोग उनका डेकोरेट कर देते हैं। तो अगर उन लोगों को इसमें फेक लगवाने होते हैं तो वो फेक लेकर आती हैं, अगर उनको रियल लगवाने होते हैं तो वो रियल लेकर आती हैं, लेकिन सबसे प्यारा जो लगता है वो रियल के साथ ही लगता है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग जो हैं बहुत ईजीली कर सकते हैं अपना हेयर स्टाइल, और पीछे से आपको किस तरीके से जूड़े की डेकोरेशन करनी होती है, ब्राइडल जूड़े की जो डेकोरेशन होती है वो किस तरीके से करनी होती है वो भी आप देखो कितने अच्छे से हो रही है। तो ये इंग्लिश रोज़ थे, इंग्लिश रोज़ जो होता है उसके जो लीव होती है ना वो बहुत मोटी होती हैं, तो उनको तोड़ तोड़ कर हम लोग देखिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ग्रीन कलर की जो लीव हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, और जो फूल की रेड कलर की लीव हैं उनको भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनका जो जूड़ा है ना वो बहुत ही सुंदर बनेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत ही ईजिली अपने रियल वर्क कर सकते हैं, रियल ब्राइडल तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रियल ब्राइडल में हेयर स्टाइल तैयार कर सकते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल जो है वो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे जो जूड़े के ऊपर कलर आ रहे हैं वो आ रहे हैं वाइट कलर का, ग्रीन कलर का और रेड कलर का, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये जूड़ा लगेगा। फुल कवर जब ये हो जाएगा तब आप देखिएगा कितना प्यारा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैम हम किस तरीके से जो है वो जूड़े को डेकोरेट करें, हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे पास ये नहीं होता है, हमारे पास वो नहीं होता है, जो आपके पास है। जैसे कि देखिए ये 4 से 5 रोज़ लेकर आई थी ओनली,
और उस चार पांच रोज़ को अगर हम ओनली फॉर रोज़ रोज़ करके लगाते तो इनका जूड़ा जो है वो बिल्कुल भी कवर नहीं होता। बट हम लोगों ने उसकी लीव लगाई और उस लीव से हमने इनका जूड़ा बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद हम लोगों को मतलब लीव भी कम पड़ गई थी, तो हम लोगों ने जो इनकी गजरे की एक लड़ी बचा ली थी उस गजरे की लड़ी को हमने बीचों बीच लगा दिया। देखिए तो उससे जितनी भी जगह ये बची थी वो भी कवर हो गई बहुत अच्छे से। तो ये तो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं भी अगर हमें कोई बाल दिख रहा है तो हम उसको अच्छे से कवर करें, क्योंकि जूड़े में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर फूल ही लगेंगे, आप वहाँ पर कुछ भी डेकोरेशन का लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। और मेरे पार्लर पर तो देखिए यही होता है, क्योंकि हम लोग अगर कोई ब्राइड नहीं लेकर आ पाती तो जो दूसरी ब्राइड लेकर आती हैं अपने लिए उन्हीं के सामान से उन ब्राइड का भी काम कर देते हैं और सब लोगों को पसंद आता है और सब लोगों को बहुत ही प्यारा लगता है और हमारे जितने भी क्लाइंट हैं वो बहुत खुश होकर जाते हैं और बार बार अपना काम हमारे पार्लर पर करवाते हैं। और अपने रिलेशन वगैरह में भी जितने भी उनके रिलेशन वाले होते हैं, जिन लोगों ने उनका मेकअप वगैरह देखा हुआ होता है या हेयर स्टाइल वगैरह देखा हुआ होता है, उनको फुल रेडी करा हुआ देखा होता है, तो वो लोग पूछ कर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें इस तरीके का काम कराना चाहिए, कराना था और हमारी रिलेशन वाली आपके यहाँ तैयार हुई थी। तो मेरा पार्लर जो है वो इस तरीके से बहुत अच्छे से रन करता है और काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं। काफ़ी कॉल भी मेरे पास आती हैं कि मैम पार्लर को किस तरीके से रन करें, तो देखिए मेहनत करिए पार्लर अपने आप चलेगा। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट देना, अपना 100% दीजिए। आपका जो स्टाफ है आप उसको भी समझाइए सही से कि अपना 100% देना है, अल नहीं काटना है किसी भी काम का कि काम आया तो बस जल्दी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो भी काम है बहुत अच्छे से करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करिए। तो आप देख सकते हैं फुल्ली रेडी होकर ये ब्राइड हमारी कुछ इस तरीके की लग रही थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।